Fresh Fellows, welcome to the channel. इस ड्रामे की शुरुआत होती है और सबसे पहले हम देखते हैं इसके मुख्य किरदार को, जो कि पेशे से एक शेफ है। इस शेफ का नाम है जुंगी। जुंगी एक बहुत अच्छी शेफ है। अपनी शिफ्ट पूरी करके जब अपनी बाइसाइकिल से घर जा रही होती है, तब हमें जानने को मिलता है कि वैसे तो उसका असली नाम सोजू है, मगर सब उसे जुंगी के नाम से ही जानते है। और आपको तो पता ही है, सोजू कोरिया की सबसे मशहूर शराब है, जो हर कोरियन ड्रामा में देखने को मिलती है। हमारी प्यारी जुंगी का ये नाम इसके पापा के वजह से पड़ा था। अगले सीन में जुंगी के पापा को दिखाया जाता है, जो कि फ्लैशबैक में उसके पैदा होने के वक्त उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसका नाम फिल कर रहे हैं। नशे में धुत होने के चलते वो गलती से उसके बर्थ सर्टिफिकेट में जुंगी नहीं बल्कि सोजू लिख देते हैं। उसके पापा बहुत ड्रिंक करते थे, पर कोई ये नाम सुन के उसका मजाक ना उड़ाए, इसलिए उसने अपना नाम जुंगी ही सबको बताया था। जुंगी का मकसद काम करके कमाए पैसे से फ्रांस जाकर पढ़ाई करने का है, इसलिए वो दिन रात मेहनत से काम करके वीजा बनवाने के पैसे जोड़ने में लगी है। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि उसका यह सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। अगले सीन में हमें एक बहुत अमीर और ठरकी लड़का जीवू देखने को मिलता है, जो एक रशियन लड़की जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ एक महंगे होटल के कमरे में होता है। जीवू उससे अगले हफ्ते कोरिया वापस जाने की बात कह के उससे ब्रेकअप मांगता है, मगर उसकी गर्लफ्रेंड उससे शादी करने के लिए अपने डेट से बात कर चुकी थी, जिसके जवाब जीवू उसे साफ मना कर देता है। तभी वो कहती है कि मेरे दादाजी बहुत बड़े बिजनेसमैन और रूस के बहुत खतरनाक माफिया के लीडर भी है। वो उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगी और किसी और का भी नहीं होने देगी, मगर जीवू उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर क्या, उसकी गर्लफ्रेंड सीधा उसके सामने पिस्तौल लेकर शॉट फायर कर देती है, मगर किस्मत से उसे ये गोली नहीं लगती और वो वहां से भाग निकलता है। जब जीवू होटल से भागे रहा होता है कि तभी होटल के एंट्रेंस डोर पर पहुंचने से पहले ही वो कांच के दरवाजे से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ता है, और तभी वो रशियन लड़की उसमें बंदूक ताने खड़ी रहती है। मगर अगले सीन में हमें जूही साइकिल को घर के बाहर लॉक करती नजर आती है, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड किम योंग दिखाई पड़ता है, जो जल्दबाजी में अपने काम पर जा रहा होता है। इसके बाद जब जुंगी को भूख लगती है तो वो अपने घर में खाने की तलाश करती है, मगर उसे वहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिलता। अगर उसके हाथ कुछ लगता है तो महज ये वर्क लिस्ट। दरअसल ये घर उसका नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड योंग का था, और उसने जुंगी को घर की साफ सफाई, पौधों को पानी देना और घर के छोटे मोटे काम करने के बदले उसे बिना रेंट दिए घर में रहने देता था। जुंगी एक एक करके सभी कामों को निपटा देती थी। इतना सारा काम करने के चलते वो थक कर आराम करने चली जाती है, जहाँ वो अपने सिरहाने के नीचे रखी पासबुक को निकाल ये चेक करती है कि अब उसके अकाउंट में कितने पैसे जमा हो गए हैं, क्या वो फ्रांस जाने के लिए तैयार है। पासबुक को निहारते निहारते उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वैसे जुंगी का शेड्यूल काफी टाइट रहता था, वो सुबह से शाम तक बस काम में ही लगी रहती थी। जब वो घर के काम से फ्री होती तो दिन में थोड़ा रेस्ट करती और फिर नाइट शिफ्ट में अपनी शेफ की जिम्मेदारियां निभाने के लिए होटल के लिए निकल पड़ती थी। अगले सीन में हमें जीवू कोरिया के एयरपोर्ट पे दिखता है। वो अपने डेट को कॉल करता है, मगर उसके डेट बहुत बिजी होने का बहाना बनाते हुए उसे उसकी मम्मी से बात करने को कहते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। उसके पापा बहुत अच्छे से जानते थे कि वो उससे पॉकेट मनी के नाम पर ढेर सारे पैसे मांगेगा। इसके बाद जीवू इंतजार कर रहा होता है और तभी उसका सर्वेंट एक बढ़िया से स्पोर्ट्स कार लेकर वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचता है, जिसके बाद उस कार पर सवार होकर जीवू से पर निकल जाता है। तभी हमें जीवू के कोरिया वापस आने की वजह पता चलती है। दरअसल कुछ ही दिन पहले उसके ग्रैंडफादर, जो कि बहुत ज्यादा अमीर बिजनेसमैन थे, उनकी डेथ हो गई थी और अब उनकी दौलत का बंटवारा होने वाला था। इसी दौलत का हिस्सेदार बनने के लिए जीवू कोरिया वापस लौटा था। इसके बाद हमें जुंगी दिखती है, जो फिलहाल भूख से तड़प रही है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए पास ही के एक चर्च में चली जाती है, ताकि उसे भी कुछ खाने को मिल सके। वो चर्च में आकर बैठ जाती
जाती है जहाँ एक पेस्टल स्टेज से कुछ संदेश दे रही होती है। इतने में वहाँ जीबू पहुँच जाता है, मगर उसे देख कर लेडी बेस्ट शौक आ जाती है क्योंकि वो जीबू की मम्मी थी और उन्हें डर था कि कहीं सबको ये पता न चल जाए कि ये बिगड़ा हुआ लड़का उसी का है। इसके बाद जीबू जूही के बगल में बैठ जाता है और जैसे ही जूही उसकी तरफ नजर मोड़ती है तो वो उसे आँख मार देता है, जिसे देख कर जूही को बहुत अजीब लगता है। कुछ समय बाद जब खाना खाने का समय होता है तब भूखी जूही खाने पर टूट पड़ती है। उसकी नजर उबले हुए अंडों की टोकरी पे पड़ती है जिसमें से वो एक अंडा निकाल खाने के लिए बैठ जाती है कि तभी उसके कानों में जीबू और उसकी मम्मी की आवाज पड़ती है जो अपने बेटे से उसके कोरिया आने की असल वजह पूछ रही होती है। उसकी मम्मी उसे कहती है कि जब उसने पहले उसे फोन करके कोरिया आने की बात करी थी तब तो उसने उनकी बात एक बार भी नहीं मानी और अब वो सिर्फ पैसे के लिए ही वहाँ आया है। ये सुन के जीवू कहता है कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा था और इसलिए आपसे मिलने आया हूँ। हाँ, मैं ग्रैंडपा के फ्यूनरल में सही समय पर नहीं पहुंच पाया, मगर प्रॉमिस करता हूँ आपकी फ्यूनरल कभी मिस नहीं करूँगा। उसका ये घटिया मजाक सुनते ही उसकी मॉम उसे मारने लगती है। इसी बीच जीवू की नज़र जूही पर पड़ती है जो खिड़की से जाकर उन्हें देख रही थी। जूही को देख जीवू हाय करते हुए हाथ हिलाता है। इसके बाद वो अपनी माँ से पैसे मांगता है, मगर उसकी माँ उसे पैसे देने से साफ इनकार कर देती है और उसे खुद पैसे कमाने के लिए कहकर बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए कहती है। मगर जीबू उनके हाथ में पकड़े उनके वैलेट को अचानक से छीन लेता है और उनसे कहता है कि नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, काम भैया और पापा को ही करने दीजिए, मैं तो सिर्फ मजे करूंगा। इसके बाद वो उस कमरे से बाहर जाने लगता है कि तभी पीछे से उसकी माँ उससे पूछती है कि अब तुम्हें सोने में कोई तकलीफ तो नहीं होती ना। ये सुनकर जीबू का गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो चुपचाप बाहर से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर डाइनिंग हॉल में जब जूही टोकरी में पड़े एग्स को रात के खाने के लिए चिराने की कोशिश कर रही होती है कि तभी जीबू उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। अब जीबू उस टोकरी में पड़े एग्स उसको देते हुए उससे सवाल करता है कि तुमने मेरी और मम्मी की बात को सुन लिया था ना, मगर जूही उसकी इस बात से इनकार कर देती है। हालांकि बाद में वो मान जाती है और उसे इन बातों को किसी से शेयर न करने का वादा भी करती है। जाते जाते वो जूही को ज्यादा अंडे ना खाने की सलाह भी देता है। वो कहता है कि अगर वो ज्यादा अंडे खाएगी तो फूल कर गोलगप्पे जैसी बन जाएगी। उसकी इस बात से जूही चिढ़ जाती है और मन ही मन में उसको गालियाँ देती है। इसके बाद जूही सीधा उस ट्रेवल एजेंट से मिलने जाती है जो फ्रांस का वीजा बनवाती है। यहाँ वो एजेंट उससे पूछती है कि क्या उसने वीजा के लिए पैसे जमा कर लिए हैं। जवाब में खुशी के साथ जूही उसे बताती है कि उसने ज्यादातर पैसे जमा कर लिए हैं और अब बस $2,000 और जमा करने रहते हैं और वो जल्द ही उन्हें भी जमा कर लेगी, जिसके बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए फ्रांस चली जाएगी। इसी बीच जूही को किसी का कॉल आ जाता है। दरअसल ये कॉल उसकी मम्मी का था, बट वो इस कॉल को रिसीव नहीं करती। अब हमें जूही की मम्मी और उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है। उसका भाई सोंग उसकी माँ से बात करते हुए जूही के बारे में बुरा भला कह रहा था। वो कहता है कि जूही एक नंबर की चोर है और फ्रांस जाने के चक्कर में एक दिन उनकी मेहनत की कमाई लेकर भाग जाएगी। जूही का भाई माँ से कहता है कि अगर वो पैसे जूही को न देकर उस पर लगाती तो शायद आज वो इस हालात में न होते। ये सुनते ही उसकी माँ उदास और गुस्सा होकर उसको बाहर से राइस लाने के लिए कहती है, मगर सोंग खुद राइस लाने के बजाय अपने छोटे भाई कोंग को राइस लाने के लिए कह देता है। कोंग जाना नहीं चाहता है, मगर फिर भी सोंग उसके गाल पकड़ कर उसे जाने के लिए कहता है। मजबूर कोंग जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर जाते जाते वो उसे निकम्मा कहता है, जिससे उसका भाई यानी सोंग बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में जूही बिस्तर पर लेटी हुई दिखती है। वो लेटे लेटे कुछ सोच ही रही होती है और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में। एक रात जब जूही के मम्मी सो रही होती है तो चुपचाप उसने उनके सिरहाने से कुछ पैसे चुरा लिए थे। इस दौरान उसके मन में ऐसा करने का गिल भी आया, मगर उसने मन ही मन में ये सोचा कि एक दिन जब वो कामयाब हो जाएगी तो अपनी मोम का वो सभी पैसे वापस लौटा देगी जो कि आज तक उसने चोरी किए थे। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हम इसके एक और किरदार एजी को देखते हैं। एजी एक अमीर लड़की थी, मगर वो अपने एक बुरी आदत के चलते अक्सर बदनाम होती रहती थी। उसकी आदत थी हर वक्त सेल्फी लेते रहना। एक बार जब उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, तो वो उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ भी सेल्फी लेने लगती है। जब उसे ख्याल आता है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ कह रहा है, तब वो कहती है कि क्या तुम अपनी बात एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो।
जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उससे कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। उसके इस सवाल पर वो बड़ी आसानी से उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ब्रेकअप करना है जाओ कर लो। ये सुन उसका बॉयफ्रेंड गुस्से और नाराजगी के साथ टेबल छोड़ कर चला जाता है। उसके जाने के बाद ये जी अपनी कुछ पिक्स क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और कैप्शन में लिखती है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं बहुत सैड हूँ। अगले सीन में ये जी एक सैलून में नजर आती है, वो यहाँ भी सेल्फीज ले रही होती है। इतने में वहाँ उस सैलून का हेयर स्टाइलिस्ट आ जाता है, जिससे ये जी कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा हेयर कट करो जिसमें मैं बहुत दुखी और इनोसेंट लगूं और लोग मुझे संपत्ति दे। हेयर स्टाइलिस्ट ठीक ऐसा ही करता है, वो उसके बाल काट कर छोटे कर देता है। ये जी अपने कटे हुए बाल की पिक्स क्लिक करती है और एक और वीडियो बनाकर लिखती है कि मैं ब्रेकअप के बाद अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हूँ। उसकी इस वीडियो पे काफी सारे लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। अभी वो इन कमेंट्स को पढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक कमेंट पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि जीवू कोरिया आ चुका है। इस कमेंट को पढ़ते ही वो चीख पड़ती है और अपने हेयर स्टाइलिस्ट को वापस उसके बाल पहले जैसे करने को कहती है, क्योंकि उसका असली बॉयफ्रेंड जीवू कोरिया वापस आ चुका था। ये सुनने के बाद उसका हेयर स्टाइलिस्ट उसे कहता है कि इसके लिए तो सिर्फ सर्जरी से ही काम बन पाएगा। अगले सीन में हमें वो बार दिखाया जाता है जहाँ जूंग ही काम करती है। आज जीवू अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ पार्टी करने आया होता है। उसके सभी दोस्त बिकरेल और घमंडी है, जो अपने अमीर पेरेंट्स की दौलत लुटाने के लिए ये सब काम करते थे। अब दोस्तों क्योंकि उस दिन होटल का अधिकतर स्टाफ छुट्टी पे थे, इसलिए जूंग ही को वेटर बनकर ऑर्डर सर्व करना पड़ता है। उसे उसके साथ खड़ा वेटर बताता है कि आज कुछ अमीर गेस्ट बार में आए हैं और वो बहुत अच्छी टिप देने वाले हैं। ये सुनकर वो खुश होती है और ऑर्डर सर्व करने के लिए रूम में चली जाती है। पर जब वो सर्व करके जाने लगती है तभी उसकी नजर नीचे पड़े नोट पर पड़ती है। जीवू का एक दोस्त उसे नीचे पड़े नोट की ओर देखकर उसे उठाने का इशारा करता है, तो जूंग ही उसे टिप समझकर उठाने लगती है। मगर तभी वहाँ मौजूद एक दूसरा लड़का उस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। उसकी इस बात से जूंग ही डर जाती है, मगर जीवू को याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिससे कुछ दिनों पहले उसकी का चर्च में हुई थी। लेकिन वो बिगरेल अमीरजादे यही नहीं रुकते और जूंगी का मजाक उड़ाने के लिए उससे उसकी उम्र बताने को कहते हैं। जवाब में जूंगी अपनी उम्र 16 साल बताती है और वो सब उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देखने में तो तुम अभी 26 साल से ज्यादा की लगती हो। तभी वो वहाँ से जाने लगती है तो जीवू का दोस्त उसे कहता है कि तुम हमारे पैसे लेके बिना बताए क्यों जा रही हो। तभी दूसरा लड़का कहता है, ये मेरा नोट है, तुम इसे ले जाने दो, क्योंकि वैसे भी हम गिरे हुए पैसे नहीं उठाते। ये सुनकर जूंगी को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अब यहाँ से जाने के लिए दरवाजा खोल ही रही होती है कि अचानक दरवाजा खोलते ही उसका संतुलन बिगड़ता है और वो जीवू के ऊपर गिर जाती है। तभी जीवू उससे सवाल करता है कि तुमने उस नोट को क्यों उठाया, मगर जूंगी बहुत शर्मिंदा होकर उसे सॉरी कहकर कमरे से बाहर आ जाती है। जब जूंगी कॉरिडोर से जा ही रही होती है कि अचानक उसकी टक्कर ये चीज से होती है, जिसके बाद ये चीज उस पर गुस्सा करती है और उसे पूर डिस्गस्टिंग गर्ल कहकर टॉन्ट मारती है। इसके अगले सीन में ये जी की मुलाकात जीवू से होती है, जहाँ वो उसे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूछती है कि तुमने मुझे एक बार भी फोन क्यों नहीं किया। दरअसल ये जी जीवू से बहुत प्यार करती है और जल्दी उसे शादी भी करना चाहती है, मगर जीवू की शक्ल से साफ दिखता है कि वो ये जी को बस एक अच्छी दोस्त की तरह मानता है। जवाब में जीवू बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। वो उसे केयरिंग फ्रेंड की तरह ज्यादा ड्रिंक नहीं करने और लेट नाइट पार्टी न करने कहता है। इस एपिसोड के एंड में वहाँ मौजूद एक दोस्त अचानक कमरे की लाइट्स ऑफ कर देता है, मगर इसके तुरंत बाद ही जीवू की आंखों में पुरानी यादें ताजा होने लगती है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जिसमें एक बच्चा किसी घने जंगल जैसे जगह में जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसे स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाया जा रहा होता है। इसके बाद जीवू के पसीने छूट जाते हैं, जिसे देख उसके दोस्त भी कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों, इट इज ऑल अबाउट एपिसोड नंबर 1 एंड इसके बाद आने वाले सभी एपिसोड को हम साथ मिलकर देखेंगे। अगर आपको मेरी यानी लवर गर्ल का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।